दिया था 2013 में? बिल्कुल दिया था, बल्कि हमने हमेशा नून लीग को ही वोट दिया है। अच्छा, लेकिन इस दफा जो है ना बात शौर की है। देखें, इमरान खान जो है ना वो हमारी कोई पुपी का बेटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो शौर उसने आवाम को दिया है ना, जिस तरह वो लोगों को बता रहा है, जिस तरह करप्शन बेनकाब की है इनकी मियाँ साहब की, वो पहले किसी ने नहीं की। सही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान सियासत में ना होता तो फिर शायद ये हमारा पूरा मुल्क ही बेच देते। आप देख लें कितने स्कैंडल इनके सामने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अंदरून के रहने वाले हैं? जी जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? देखें, हम तो शुरू से ही पाकिस्तान जैसा बन सकते पहले किए हैं, लेकिन अच्छा सर ये बताएं कि एक अंदरून का रहने वाला जब ये कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने करप्शन की है, मैं उनको वोट नहीं दूंगा, उसके बावजूद हम तकरीबन गुज़िश्ता कोई 16-17 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होता है और आराम से सीट निकाल लेता है। देखिए, बात यह है कि बात तो वोटिंग डे वाले दिन की करें। मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमारे अंदरून शहर में खास तौर पे जो है ना ये चलता है सारा, ये बरादरी सिस्टम चलता है। जैसे हमारी यहाँ पे मलक बरादरी बहुत बड़ी है, अब मलक बरादरी का कोई बड़ा जो है वो सपोर्ट कर देता है किसी भी पार्टी को तो लोग ऑब्वियसली उसके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन अब लोग चेंज आ रहे हैं। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो मैंने चीज़ देखी है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है। मुझे लगता है कि इस दफा चेंज आएगा। आप एक मुख्तसर सवाल का जवाब दे दें, क्या तब्दीली आएगी इमरान खान साहब के आने से? मैं जो चीज देख रहा हूँ या जो मैं महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि जो नीचे लोग हैं ना वो वही हैं, वही रहेंगे। अगर इदारे का सरबराह जो है वो तब्दील हो जाए तो वो चेंज लेके आता है। तो इस तरह ये देखें, अब अगर हम अपने मुल्क की क्यादत को तब्दील करते हैं, तब्दीली आएगी। मुझे लगता है कि अगर देखें मियां साहब या इमरान खान कोई इशू नहीं है, अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ पाकिस्तान में लीडरशिप चेंज हुई तो जरूर चेंजिंग आएगी। चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हल्का NA 104।